खुशा खुर्रम रखे। सो दिस इज योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। ईद मुबारक। आज ईद का तीसरा दिन है, यह व्लॉग आपको चौथे दिन मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन है आज ईद का तीसरा दिन और आज हमारी फुप्पो की दावत है। हमारी फुप्पो जो है मेरे पापा की खालाजाद बहन है, कज़न हुई तो वो हमारी फुप्पो हैं। आज उनकी दावत है सादिया फुप्पो। और मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी उनके बच्चों के साथ, एक मन्नू के साथ और एक अहमद के साथ। वो उनके बच्चे हैं माशाल्लाह से, उनके तीन बच्चे हैं तो अभी वो सब आने वाले हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज की खास चीज़ कि बिरयानी, ईद की बिरयानी जो है आज हमारे घर पर बनी है, क्योंकि हमारी फुप्पो को बिरयानी बहुत 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 पसंद है। और लास्ट वीडियो में मरियम बीबी ने जो है डन लिखा था और एक और नाम था, अभी फ़िलहाल मुझे मरियम बीबी का ही नाम याद है, बाकी दूसरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उमर खान आई थिंक ये नाम था। और अभी हमें फुप्पो का इंतज़ार हो रहा है और फायज़ा और अम्मी टिकटॉक बना रही हैं तो मैं भी जा रही हूँ उनके साथ टिकटॉक बनाने। मेरी टिकटॉक आईडी है फरियाल श्वेत। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कराची में ठीक है फिर तुम्हारी बारिश की पेशगोई। और क्या हो रहा है ऐसे ही आता तो टीम। आज आपने क्या पकाया? ईद का तीसरा दिन है, आज क्या पकाया? आज मैं क्या बना के आई हूँ, पढ़ाई गोश्त बना कर आई हूँ और मैंने बनाया है जर्दा बनाया है। मम्मी मैं कितना मिलती हूँ और बिरयानी बनाई है, जर्दा बिरयानी और कढ़ाई गोश्त आज बनाया है। जर्दा बिरयानी और कढ़ाई गोश्त, मतलब कि आज हम हमारे घर शादी वाला खाना बना, कोल्ड ड्रिंक भी हो साथ में, शादी वाला खाना, शादी वाला। मेहमान आ गए हैं सारे और अभी बहुत अफरा तफरी हो रही है। ले लो सब अपने अपनी, मैंने ले लिए। सर ये अपनी ये दिखाओ। दादी ने दिए, दादी ने दिए, अयरी भाई दिए और ये मेरी है। पसीना पसीना हो गई मैं तो, क्योंकि आज मैंने सोचा कि मैं मेहमानों के जाने से पहले जो है ना बर्तन धो लूँ, इसलिए मैंने जो है ना अभी बर्तन धो लिए हैं ताकि बाद में झंझट नहीं हो, बाद में ये सब जाके सो जाते हैं मज़े से और मेरे लिए पूरा किचन भरा हुआ होता है। अम्मी हमें खाना बनाने नहीं देती, हमें चूल्हे के पास नहीं जाने देती, लेकिन बर्तन का काम तो ऑब्वियसली हमारा ही है ना, तो इसलिए। और मन्नू जो है सादी फुप्पो की बेटी, उसके साथ जो है मैंने टिकटॉक बनाई है। मेरी टिकटॉक आईडी है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, तो उस आईडी पर जाके जो है मन्नू के टिकटॉक देखें। यूट्यूब पे मैं इस वीडियो ब्लॉग में मैं इसलिए नहीं लेके आ रही हूँ बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं ना तो कॉमेंट्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके ऑफ कर देता है यूट्यूब, और आपकी जो वीडियो है ना वो यूट्यूब किड्स में चली जाती है खुद ब खुद, तो इसलिए मैं बच्चों को नहीं ला रही हूँ। उससे जो है ना बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाती हैं, वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है, मतलब बस समझ जाओ जो मैं कहना चाह रही हूँ ना वो समझ जाओ। ये सारे बर्तन मैंने धो के यहाँ पे रख दिए हैं, इंतजार ख़त्म होता है और मैं अपनी फुप्पो को दिखाती हूँ। आपकी जोरदार तालियों में तशरीफ़ लाती हैं सादिया फुप्पो, आ जाए इधर। ये हमारी फुप्पो हैं, देखो ये लग भी नहीं रहे होंगे माशाल्लाह से, इतनी यंग है। और हमारे जो फैमिली है ना ददियालपुरा में, इनका कपल जो है ना वो सबसे यंग और बेस्ट कपल है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। मैं मुझे कोई पिक्चर देना, मैं पहले बोला दूँगी कपल की, क्योंकि आरिश अंकल जो है पप्पा के साथ बैठे और मैं वहाँ जा नहीं सकती बनाने, ठीक है। और सादिया फुप्पो बताएं आप कैसी हैं, ईद मुबारक, ईद का मैसेज कोई मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको, ईद का कोई मैसेज, ईद का कोई मैसेज, सफाई का बहुत ख्याल रखें, तो इसी पे जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि गंदगी का इशू होता है बहुत, तो जहाँ आप इतने हज़ारों के जानवर ले रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं वहाँ 500 हज़ार रुपये देकर सफाई भी करवा लें, ठीक है, बस यही मैसेज है सबसे बड़ा। सही है। और हमारी जो पप्पा की बहन है ना, उनकी तो शादी जो है हम अब उनकी शादी से पहले ही हो गई थी, तो ये वो फुप्पो है जिसने हम पांचों को पैम्पर किए, इन्होंने हमें बचपन से पाला है, लेकिन जब से इनकी शादी हो गई ना तो यही तो नेचुरल सी बात है, जब इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये तो हमसे दूर होंगी, लेकिन इतना भी दूर नहीं होगी, ये यहीं रहती हो रही है और बस कुछ भी नहीं। बाय बाय। बाय बाय। चलो मनाल जाओ घर पे, जा रहे हैं आपके मम्मा पापा। क्यों क्या हुआ, घर पे जाओ। अच्छा मम्मा जा रही हैं, बाबा निकल भी गए गाड़ी में बैठे हुए। कैसे रहोगी? सोगी ना? सोगी। अरे क्या कह रही हो? फुटबॉल के लिए, फुटबॉल साथ ले जानी, हसन भाई के फुटबॉल है ये। वॉली खेल, वॉली जो भाग पर वॉली, कौन सी वो जो होगी का इतना सा, हाँ। वो चाहिए, उससे हसन फुटबॉल खेलेगा, वो अंटा नहीं, वो बढ़िया, वो तो फटी हुई है, वो फटी हुई है, बस ये अब दे दो और चलो जाओ, आपके बाबा बुला रहे हैं। चलो भाई भाई क्या इधर।